नगर पंचायत अध्यक्ष पति राम लाल ने आज का मुद्दा लाइव न्यूज से बातचीत में नगर पंचायत रिसिया की जनता से दीपावली पर्व को आपसी भाईचारे और सौहार्द से मनाने की अपील की तथा सभी क्षेत्र वासियों को शुभकामनाएं दी। मैं नगर पंचायत रिसिया की अध्यक्ष पति होने के नाते मैं समस्त रिसिया नगर वासियों को अपने तरफ से हार्दिक शुभकामनाएं और ये इस त्यौहार को बड़े ही सद्भावना के तरीके से आपस में भाईचारे के साथ मिलकर इसको मनाएं और प्रत्येक वर्ष जैसे धनधान से हमारा ऋषिया नगर पंचायत के सभी लोग धनधान से परिपूर्ण हैं और आपस में कोई वैमनस्यता न हो, इस यही संदेश में देना चाहता हूँ। त्यौहार जो होता है ये दीप का त्यौहार होता है, इसमें उजाला की आवश्यकता पड़ती है, तो लाइट को लेकर के क्या व्यवस्था है? हाँ, मैं बताना चाहता हूँ नगर पंचायत ऋषिया में कि सभी चाहे वो चौराहा हो चाहे गली हो, सभी जगह प्रकाश की अच्छी व्यवस्था की गई है। कहीं भी अगर एक सुई गिर जाए तो आप देख सकते हो कि आपको मिल जाएगी, कहीं ढूंढने की ऐसा नहीं है कि कहीं अंधियाला हो, हमारे किसी भी गली मोहल्ले में आप जाकर देख सकते हैं। साफ सफाई की क्या व्यवस्था है? साफ सफाई की व्यवस्था बहुत अच्छी है, सारे नाले नालियों की सफाई की गई है, हर मोहल्ले में घास जहाँ कहीं भी रही निकाली गई है और संक्रामक रोगों से छुटकारा पाने के लिए उस पर एंटी लार्वा का छिड़काव कराया गया है और फागिंग भी कराई गई है। वहीं जनपद बहराइच वार्ड नंबर 36 भाजपा मंडल महामंत्री अभिषेक सिंह ने समस्त वार्ड वासियों को दीपावली की शुभकामनाएं चैनल के माध्यम से दी। नमस्कार, मैं अभिषेक सिंह मंडल महामंत्री भारतीय जनता पार्टी युवा मोर्चा, आप सभी को दीपावली की और धनतेरस की हार्दिक शुभकामनाएं बधाई। मेरी यही कामना है कि मेरे देशवासी प्रदेशवासी सभी लोग इस त्यौहार को मिलजुल के मनाएं और स्वस्थ रहें। नगर पंचायत रिसिया अध्यक्ष पति रामूलाल ने बताया कि दीपावली पर्व के मद्देनजर हर गली मोहल्ले चौराहों पर विद्युत की समुचित व्यवस्था की गई है, जिससे नगर पंचायत रिसिया में दीपावली पर्व के उपलक्ष्य में हर जगह प्रकाश जगमगाता रहे। साफ सफाई के बारे में पूछे जाने पर रामूलाल ने अवगत कराया कि नगर पंचायत की तरफ से प्रत्येक नाली सड़कों के किनारे की साफ सफाई घास फूस इत्यादि बेहतर तरीके से सफाई कर्मचारियों द्वारा सफाई की गई है।